दोस्तों, वैसे तो हर देश की अपनी एक अलग पहचान होती है। जैसे अपने भारत की पहचान है कि वो महान है, ऐसे ही जापान की भी एक पहचान है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में अव्वल है। लेकिन दोस्तों, कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिन्हें महानता और टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता। ये देश अपने कुछ अलग ही कामों के चलते दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाते हैं, और इन्हीं में से एक देश है फ्रांस। दोस्तों, आज ये देश दुनिया भर में चर्चा का विषय है, क्योंकि इस देश के लड़के और लड़कियों की सोच जितनी मॉडर्न है, उससे भी ज्यादा अलग और मॉडर्न है इस देश के रूल्स। वैसे दोस्तों, यहाँ की सरकार भी अपने मॉडर्न रूल्स से अपने देश की मॉडर्न लड़कियों को खुश करती रहती है। आज की वीडियो में हम आपको इस देश के बारे में कम और इसकी मॉडर्निटी के बारे में ज्यादा बताने वाले हैं, जिसको जानकर आप वाकई हैरान होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ की लड़कियों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देते हैं। दोस्तों, कहते हैं यहाँ की लड़कियाँ बहुत माइंडेड होती हैं, और माइंडेड होने के साथ साथ वो तेज भी होते हैं। अब चाहे बात हो पढ़ाई की या बॉयफ्रेंड बदलने की, यहाँ की लड़कियाँ इन दोनों ही कामों में आगे हैं। और बताया तो ये भी जाता है कि फ्रांस की लड़कियाँ उन लड़कियों में गिनी जाती हैं जो अपनी खूबसूरती का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। वैसे वाकई इधर की लड़कियों को देख के तो ऐसा लगता है मानो इस देश की सारी खूबसूरती बस इधर के लड़कियों को ही मिले हो। अब शायद इसी वजह से इधर इतनी अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़ने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अब जिस देश की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होंगे, उस देश के लड़के अपने ऊपर कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? शायद यही वजह है कि फ्रांस में अनवांटेड प्रेगनेंसी बढ़ती ही जा रही है, और लगातार वहाँ ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जिन्हें अपनी माँ का तो पता है लेकिन अपने बाप का कोई अता पता नहीं है। अब शायद इसीलिए फ्रांस सरकार ने अपने देश में ये रूल लागू कर रखा है कि वहाँ मरने के बाद भी इंसान की शादी हो सकती है, ताकि उसकी और उसके जीवन साथी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए, और बेचारे उनके बच्चों को भी अपने माता पिता का पता चल जाए कि उनका असली पिता कौन है। अब दोस्तों, फ्रांस है तो इस तरह के अजीबोगरीब रूल्स होना आम बात है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस की महिलाओं का एक ऐसा रूल बताएंगे जिससे आप ये समझ पाएंगे कि वहाँ की लड़कियाँ आज इतनी फॉरवर्ड क्यों हैं। दोस्तों, एक समय था जब फ्रांस की महिलाएं अपने पति के परमिशन के बिना पासपोर्ट नहीं बनवा सकते थे, किसी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे, और तो और वो बाहर किसी जॉब के लिए भी नहीं जा सकते थे। लेकिन 1965 में फ्रांस गवर्नमेंट ने अपने देश के महिलाओं के ऊपर से ये प्रतिबंध हटा दिए, और कहते हैं कि इसके बाद से ही फ्रांस की महिलाओं को इतनी आज़ादी मिली कि आज फ्रांस की महिलाएं रोमांस के लिए जानी जाती हैं, और दुनिया भर में फ्रांस की महिलाओं के मिसालें दी जाती हैं। क्या बात है, फ्रांस की महिलाओं ने तो सच में बहुत तरक्की की है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस देश का एक ऐसा रूल बताते हैं जिसे सुनकर शायद आप अपना सर पकड़ लेंगे। दोस्तों, फ्रांस में 8th क्लास के बाद गर्ल्स और बॉयज दोनों को ही सेक्स के बारे में डिटेल से एजुकेशन दी जाती है, और बकायदा इसका वहाँ एक सब्जेक्ट भी होता है जिसको वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए लेना कंपलसरी होता है। आपको बता दें, फ्रांस में 90% से ज्यादा स्कूल्स में कॉन्डम्स के लिए वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। इस पर फ्रांस गवर्नमेंट कहती है, स्कूल्स में ये वेंडिंग मशीन्स इसलिए लगाई गई हैं जिससे स्टूडेंट्स सेफली सेक्स कर सकें, और फ्रांस के स्कूल्स में पढ़ने वाली लड़कियों को अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा ना हो। अब दोस्तों, जिस देश के स्कूल्स में ही ऐसी बातें पढ़ाई जाएंगी, उस देश के नौजवान बड़े होने के बाद कैसे बनेंगे, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि फ्रांस दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन चुका है जहाँ के युवक और युवतियाँ कार्स और सड़कों पे भी सेक्स कर लेते हैं। अब भैया, फ्रांस है तो सड़कों पे सेक्स करना भी पॉसिबल है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस का एक और अजीबोगरीब रूल बताते हैं। फ्रांस में अधिकतर लोग मरने के बाद अपनी बॉडी के अंगों को दान देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के डॉक्टर्स अधिकतर मरे हुए इंसानों की बॉडी से बहुमूल्य अंगों को निकाल लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने अंगों को दान नहीं देना चाहते, उनको फ्रांस के नेशनल रिजेक्शन सेंटर में अपील करनी होती है, जिसके बाद वो अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने से बच सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस का एक ऐसा रूल बताते हैं जो वहाँ हर एक कपल को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, फ्रांस का कोई भी कपल क्यों ना हो, वो ट्रेन स्टेशन और ट्रेन के अंदर किस नहीं कर सकता। इस रूल को इसलिए बनाया गया था क्योंकि एक बार एक कपल ट्रेन प्लेटफॉर्म पे किस कर रहा था, जिसको ट्रेन ड्राइवर बहुत ही फुर्सत से देखने लगा, और वो ट्रेन को टाइम के मुताबिक नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं पहुंचा पाया, जिसके बाद हर रोज वहाँ ऐसे केसेस बढ़ने लगे, जिस वजह से फ्रांस में ये रूल निकालना पड़ा कि वहाँ ट्रेन से जुड़े किसी भी प्लेस पे कोई भी कपल किस नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस के बारे में एक और ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपने दुनिया में कई टैक्स फ्री कंट्रीज के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बता दें, फ्रांस टैक्स फ्री तो नहीं लेकिन टोटली सेक्स फ्री है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है पुरुष और महिला बिना शादी किए और बिना किसी समस्या के जितनी बार चाहें उतनी बार आपस में रिलेशन बना सकते हैं। यही वजह है कि फ्रांस दुनिया भर के कई नौजवान लड़कों का अट्रैक्शन बना हुआ है। अब दोस्तों, फ्रांस है तो इनकी सेक्स फ्री पॉलिसी भी हमें मंजूर है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस का एक और खतरनाक रूल बताते हैं। दोस्तों, अगर आप फ्रांस में किसी मुजरिम, पुलिस की गाड़ी या फिर किसी पुलिसकर्मी की फोटो लेते हैं तो आपको सीधा जेल हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा फ्रांस सरकार ने कभी साफ साफ नहीं बताया। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस के बारे में एक ऐसा स्ट्रेंज रूल बताने वाले हैं
जिसे आज यूरोप के बड़े बड़े देश अपने यहाँ लागू कर चुके हैं, लेकिन फ्रांस ने इस रूल को अपने देश में सबसे पहले लागू किया था। दोस्तों, फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता को मान्यता दी थी। यानी दोस्तों, फ्रांस में दो खूबसूरत लड़कियां अगर चाहें तो वो न केवल आपस में प्यार कर सकती हैं, बल्कि एक दूसरे से शादी भी कर सकती हैं। और दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि फ्रांस में इस तरह के रिश्ते पिछले कुछ सालों से बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी फ्रांस आज दुनिया के कुछ उन देशों में आता है जहाँ सबसे ज्यादा गेज है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस का सबसे यूनिक और अच्छा रूल बताते हैं। दोस्तों, यहाँ की सरकार अपने देश के रेस्टोरेंट्स और होटल्स में बेचने वाले खाने को लेकर काफी सतर्क रहती है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने 2016 से अपने देश में एक ऐसा फूड डिपार्टमेंट बनाया है जिसका काम होगा ये देखना कि किस होटल और रेस्टोरेंट में खाना वेस्ट हो रहा है। अगर वहाँ किसी होटल या रेस्टोरेंट में खाना वेस्ट किया जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट के अनुसार वहाँ के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जो खाना बचेगा उसको गरीब लोगों में बांट दिया जाएगा। ऐसा न करने पे उधर के गवर्नमेंट सीधा लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। ऐसे दोस्तों, अगर फ्रांस के रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है तो आपको बता दें कि वहाँ के रेस्टोरेंट्स में कुछ अजीब सी बातों को माना जाता है। आप एज अ कस्टमर वहाँ के रेस्टोरेंट्स में जितना पोलाइटली पेश आएंगे, आपसे रेस्टोरेंट्स में मौजूद चीजों के दाम उतने ही कम लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको वहाँ के रेस्टोरेंट्स में चूना भी लग सकता है। जी, इस रूल को वहाँ के रेस्टोरेंट्स में काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। वैसे दोस्तों, इस तरह के रूल्स को जानने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि फ्रांस में सिर्फ मौज मस्ती ही होती है तो आप गलत हैं। आपको बता दें, फ्रांस यूरोपियन यूनियन का सबसे पावरफुल देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा देश भी है, जहाँ हर साल लगभग 8 से 10 करोड़ लोग घूमने आते हैं। और ये लोग यहाँ की खूबसूरत जगहों के साथ साथ यहाँ की लड़कियों को भी देखते हैं, लेकिन यहाँ की लड़कियाँ बाहरी लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जी, ये सुनकर शायद मेरी तरह आपका भी दिल टूट सकता है, लेकिन भाई ये सच बात है। दोस्तों, अब अगर बात करें फैशन की तो इस मामले में भी ये देश पहला स्थान रखता है, क्योंकि यही वो देश है जहाँ से किसी भी फैशन की शुरुआत होती है। जी, यहाँ की राजधानी पेरिस से ही हर फैशन का ट्रेंड शुरू होता है, तभी तो फ्रांस की लड़कियाँ इतनी स्टाइलिश दिखती हैं। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस अपने देश में वाइन बनाने और पीने दोनों ही मामलों में सबसे आगे है। एक तरफ जहाँ यहाँ के लड़के और लड़कियाँ तीनों टाइम खाने के साथ वाइन पीते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस देश से दुनिया के कई अलग अलग देशों में वाइन एक्सपोर्ट भी की जाते हैं। आपको बता दें, यहाँ वीकेंड में टन के हिसाब से लोग वाइन पी जाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ वीकेंड पे बहुत पार्टीज होती हैं, चाहे क्लब्स हों या फिर होटल्स। वहाँ कपल्स एंजॉय करने आते हैं और कई बार तो भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग नशे में डांस करते करते क्लब से सड़क तक पहुँच जाते हैं। अब दोस्तों, यही तो बातें हैं जो फ्रांस देश को दुनिया का सबसे खास देश बनाती हैं। वैसे क्या आप जाना चाहते हैं फ्रांस? अगर हाँ तो नीचे कॉमेंट में यस जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।